प्रशासन को सोच के फैसला करना है कि क्या मुसलमानों को शहीद ही करना है या इस तरह के 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर कोई भी दावा करे और अपना मंदिर बताकर उसको अमन चैन को नुकसान पहुंचाए और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को उसको तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि 1992 का फैसला आ चुका है कि आज 2 अगस्त 1947 से पहले की जितनी भी मस्जिद और गलते मंदिर है उनकी यथास्थिति रखी जाए। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद भी अगर इस तरह की हरकत होती है ये सरासर गलत है, इसका हम MIM टीम की तरफ से पूरी तरह निषेध करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। AIMIM ने लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश के संभल जिला में भड़की हिंसा के खिलाफ नागपुर कलेक्टर ने सौंपा राष्ट्रपति को ज्ञापन। आज हमने नागपुर शहर की पूरी टीम के MIM टीम के साथ कलेक्टर साहब के जरिए राष्ट्रपति साहब को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने कहा है कि संभल जिला स्टेट उत्तर प्रदेश में कल संभल की जो जामा मस्जिद है उसके अंदर जो पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा फायरिंग की गई उसके अंदर 4 लोग शहीद हुए और बाकी बहुत सारे लोग कलते वहां पर इंजर्ड हुए हैं, उसके खिलाफ हमने आज डेपुटेशन दिया है। दरअसल वहां की संभल की जो मस्जिद है जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर था, ये 450 साल पुरानी मस्जिद है और इस पे अभी तक किसी ने दावा नहीं किया था कि ये कोई मंदिर है, लेकिन आज एक कलते वकील उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है कि इसके ऊपर मंदिर था और कोर्ट तुरंत आदेश लोकल कोर्ट तुरंत आदेश देकर उसके ऊपर सर्वेक्षण करने लगाता है और सर्वेक्षण करने वाली टीम बोलती है कि जहां पर मेहराब रहता है उसको खोद कर मेम्बर रसूल जो रहता है वहां पर खोद कर उसको कहते हम सर्वेक्षण करेंगे, ऐसे अगर मामला दोगे तो जाहिर है मुसलमान लोग वहां पे खोलेंगे और प्रशासन जहाँ पर लोग बात करने आ रहे हैं नमाज पढ़ने आ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसी वक्त बाकी कार्रवाई करने के बजाय डायरेक्ट फायरिंग करता है और फायरिंग में 4 लोग शहीद होते हैं। इस जरिए प्रशासन यूपी प्रशासन ये बताना चाहता है और कि अगर आप किसी भी अगर धार्मिक मामले जिसके ऊपर हम आएंगे और आप अपने धर्म की तरफ से आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट आज लोगों को सजा देने के बजाय आतंक का रूप धारण कर रहा है, आतंक फैला रहा है कि आप किसी भी तरह से इसके अंदर ना आए। तो हमारी डिमांड है कि जो पुलिस अधिकारी ने फायरिंग का आदेश दिया उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए, साथ ही साथ जो पुलिस कर्मचारी वहां मौजूद थे उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो लोग कल के शहीद हुए उनके परिवार को 50-50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, उनके घर के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए और प्रशासन सुनिश्चित करे कि अगले बार से ऐसी तरह के काम ना हो, क्योंकि मुसलमानों के इस्लाम के धर्म के ऊपर मस्जिद के ऊपर जब जब आ जाएगी, मुसलमान हर हमेशा शहीदी देते आया है और आज भी शहीदी देते रहेगा, हमारी शहीदी कोई रुकने वाली नहीं है। इसलिए प्रशासन को सोच के फैसला करना है कि क्या मुसलमानों को शहीदी करना है या इस तरह के 400 साल 500 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर कोई भी दावा करे और अपना मंदिर बताकर उसको अमन चैन को नुकसान पहुंचाए और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को उसको तोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि 1992 का फैसला आ चुका है कि आज 2 अगस्त 1947 से पहले की जितनी भी मस्जिद और गलते मंदिर है उनकी यथास्थिति रखी जाए। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने के बाद भी अगर इस तरह की हरकत होती है ये सरासर गलत है, इसका हम MIM टीम की तरफ से पूरी तरह निषेध करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।